Hello students, I am Santosh Kumar from New Age Coaching and today I am going to discuss a new story for you. It is a tale of two worlds. Tale of two worlds. एक कहानी दो चिड़िया के बारे में, दो पक्षियों के बारे में है. So what is special about two worlds? दो पक्षियों के बारे में ऐसी क्या खास बात है कि इस स्टोरी को आपकी टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया है. टेक्स्ट बुक NCERT का सिलेबस फॉलो करने वाले सिक्स क्लास के वे बच्चे जिनके हाथ में किताब होगी पैक्ड विद द सन. इसका पहला चैप्टर है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स. सो ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट. द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. तो बच्चों, इस स्टोरी के आखिर में मैं आप सबसे एक बार चर्चा करूंगा एंड आई विल आस्क यू व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है. तो अब बातें करते हैं इस स्टोरी की कि इस स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है. तो एक्चुअली में देर वाज़ ए मदर बर्ड. एक मम्मा पक्षी थी, चिड़ियों की माँ होती है ना, तो उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे और ये चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ में जंगल में रहती थी. और एक बार जंगल में काफ़ी बड़ा तूफान आया और ये जो पक्षियों की माँ थी, चिड़िया की माँ थी, वो मर गई. और ये दोनों के दोनों बच्चे, आंधी तूफान होता है तो बहुत तेज़ हवा होती है, उस तेज़ हवा की वजह से ये दोनों बिछड़ जाते हैं. अब ये दोनों के दोनों छोटे छोटे पक्षी, इनका अलग अलग घर है, ये अलग अलग जगह पर रह रहे हैं. तो अब इनकी लाइफ में क्या कैसे होता है, क्या असर होता है अलग अलग जगह पर रहने का, वी विल चेक दैट इन दिस स्टोरी ए टेल ऑफ टू बर्ड्स. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टोरी में. सो देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हैड टू न्यू बोर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट. They had a nest in a tall, shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो जैसा कि पक्षियों की माँ के बारे में होता है, तो उसी तरह से एक पक्षी के परिवार की कहानी है जिसमें एक चिड़िया, एक पक्षी, एक चिड़िया अपने दो नन्हे नन्हे जो दो बच्चे थे उसके साथ में रहा करती थी जंगल में. जो नए बच्चे होते हैं उनके डैने, उनके पंख कमज़ोर होते हैं ना, वो उड़ नहीं सकते, वो अपना दाना, अपना भोजन खुद से नहीं ढूंढ सकते. तो ऐसे में जो मदर बर्ड होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि उसे रोज़ बाहर उड़ करके बच्चों के लिए दाना चुग करके लाना होता है, इन्हें खिलाना होता है, इन्हें सिखाना होता है. अब आगे है कि चिड़िया का घर क्या होता है, नेस्ट. तो चिड़िया का जो घोंसला था वो एक बड़े से पेड़ पर था. इट वॉज ए टॉल सेडी ट्री. बड़ा सा ऊंचा सा पेड़ था और छायादार पेड़ था, सेडी ट्री का मतलब है. एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. और यहीं पर ये पक्षी घोंसले में रहते थे जहाँ पर मदर बर्ड अपने बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म. एक दिन की बात है, बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर. थंडर समझते हो ना आप, जो आकाश में बिजली कड़कती है, जैसे गांव देहात में लोग बोलते हैं ठनका ठनकना. सो देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज. तो ये इतना जोर का आंधी तूफान था, इतनी जोर की आंधी थी जिसमें हवा इतनी तेज से बहती है, आकाश में बिजली कड़क रही थी और आकाश में बादलों के कड़क टकराने की जो आवाज़ें होती है बारिश होने के समय में, वो भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी और हवा इतनी तेज थी कि इट ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. कई सारे पेड़ों को हवा ने, आंधी की हवा ने पेड़ों को गिरा दिया, जड़ से उखाड़ दिया. तो एक दुख की बात इस स्टोरी में, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और इस आंधी में वो जो ऊंचा सा पेड़ था जिस पर ये चिड़िया का परिवार अपने घोंसला में रहता था, ये भी गिर गया. ए बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. और जब ये पेड़ गिरा तो एक बड़ी सी डाल इन चिड़िया के घोंसला से जा टकराया, जिसकी वजह से जो मदर बर्ड थी, पक्षियों की जो माँ थी, चिड़िया की माँ थी, उसे काफ़ी चोट लगी एंड सी किल्ड
वो मर गई, है ना। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब जरा सा हम लोग इस स्टोरी को समझने के लिए ना एक बार इस पिक्चर को भी देखेंगे। तो क्या है कि फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, और फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से, संयोग से, क्या हुआ कि ये दोनों जो छोटे छोटे पक्षी थे तेज हवा की वजह से दोनों अलग अलग किनारे चले गए जंगल में। सपोज करो कि ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, अलग अलग साइड में, एक पूरब को चली गई तो दूसरी चिड़िया पश्चिम की ओर चली गई। सो वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उसमें से एक चिड़िया उस तरफ में आ गई जहाँ पर एक गुफा थी, केव, जहाँ पर कौन लोग रहते थे, गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स। सो क्या है ये, इट इज ए कलेक्टिव नाउन, गैंग मतलब जो डाकू वगैरह होते हैं ना, डकैत होते हैं, उनका ग्रुप रहा करता था। उनका काम क्या होता है, लूटपाट करना, अच्छे लोग नहीं होते। एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। और पक्षियों में से जो दूसरा बच्चा था, दूसरा बेबी बर्ड था, वो कहाँ जा कर के गिरा, वो गिरा दूसरे तरफ में, जिस तरफ में एक ऋषि, ऋषि का आश्रम था। ऋषि समझते हो आप, ऋषि, ऋषि मुनि, सैग, सेंट, है ना, वे लोग जो जंगलों में होते हैं, साधु वगैरह होते हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं और सिंपल लाइफ स्टाइल होती है उनकी। तो एक पक्षी कहाँ जा कर के गिरा और रहने लगा, एक गुफा के पास में जहाँ पर डकैत रहते थे, है ना, और दूसरा पक्षी वहाँ आकर के रहने लगा, गिरा जहाँ पर एक ऋषि का आश्रम था। लेकिन दोनों अलग अलग साइड में थे, आप कह सकते हो ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ तक की स्टोरी में ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये दोनों पक्षी एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से, आंधी की वजह से, स्टॉर्म की वजह से इनका घोंसला टूट गया और इन पक्षियों की माँ मर जाती है। और ये दोनों पक्षी, ये दोनों अगर भाई हैं तो और बहन है तो, बोथ द सिबलिंग सेपरेटेड, अलग अलग हिस्से में चले गए। अब देखो इनकी परवरिश कैसे होती है, हाउ डू दे ग्रो अप। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। तो काफ़ी समय बीतने के साथ साथ में ये दोनों जो बेबी बर्ड्स थे, छोटे छोटे पक्षी, ये बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। हंटर, हंट, हंट वर्ब है, शिकार करना, एंड वन हु हंट्स दैट इज हंटर, उसे शिकारी कहते हैं जो शिकार करता है। तो पुराने ज़माने में और आजकल भी कुछ लोगों के अंदर में ये बात होती है, पुराने ज़माने में जो राजा वगैरह होते थे उनका शौक होता था, वो इंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए जंगल में जा कर के शिकार करते थे। तो एक दिन उस देश का राजा उस जंगल में शिकार करने आया जहाँ पर ये दोनों पक्षी अलग अलग इलाके में रहते थे। राजा ने क्या किया, ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। राजा ने एक हिरन को देखा और अपने घोड़े से उसका पीछा किया उसने। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज। तो हिरन तो बहुत तेज दौड़ता है ना, और राजा ने घोड़े से उसका पीछा किया, लेकिन घोड़े को दौड़ने के लिए, भागने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए और हिरन को कम जगह चाहिए। तो हिरन तेज दौड़ रहा था और वो छोटे मोटे रास्तों से भी निकल जा रहा था, तो वो उस घने जंगल में चला गया और राजा उसके पीछे करते 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 राजा अपना रास्ता खो बैठा। तो जंगलों में आप सपोज करो कि शाम का समय है, इट इज़ इवनिंग, देर आर नो स्टार्स इन द स्काई, है ना, अंधेरा हो रहा हो, तो यू कैन नॉट फिगर आउट वेयर इज द ईस्ट, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो अगर आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई, हाउ विल यू जज कि व्हाट इज़ द राइट वे टू रिटर्न और टू मूव फॉरवर्ड,
आगे बढ़ने का सही रास्ता कौन है या पीछे लौटने का, जहाँ से आप आए हो वो रास्ता क्या है। तो यही बात हुई, राजा ने अपना रास्ता खो दिया, वो भटक गया। अब उसे पता नहीं चल पा रहा था कि वेयर ही वाज, वो कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फिर भी वो घोड़े पर चलते चलते उस जंगल के एक किनारे एक तरफ में आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव। तो अब तक उस हिरन का पीछा करते करते और इतना समय भी बीत गया, राजा ने अपना रास्ता भी खो दिया, तो वो थक गया था। नाउ ही वॉज टायर्ड, सो ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव। तो अपने घोड़े से उतर करके वो गुफा के पास में पहुंचा, केव। मुझे लगता है कहीं ये वही गुफा तो नहीं जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स रहा करते थे, इट माइट बी। तभी तो इस स्टोरी का इसके साथ में कुछ रिलेशन है, देर इज ए कनेक्शन, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो सडनली ही हर्ड ए वॉयस क्राई आउट, तभी राजा ने गुफा के पास में एक जोर जोर से चिल्लाने वाली आवाज़ सुनी। क्या सुना उसने, क्विक हरी अप देर इज समवन अंडर द ट्री। उसने क्या आवाज़ सुनी कि जल्दी करो यहाँ आओ, कोई इस पेड़ के पास में है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, यहाँ पर आओ और उसके गहने जेवर ले लो और उसका घोड़ा ले लो। हरी और एल्ज ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। ये चिल्लाने की आवाज़ें किसने सुनी, राजा ने सुनी। कहाँ पर सुना, गुफा के पास में, और मुझे लगता है इस गुफा का संबंध गैंग ऑफ रोवर्स के साथ में। सो द किंग वाज अमेज्ड, वो राजा बिल्कुल भौंचक्का हो गया कि अरे ये कौन बोला ऐसे, किसने ये बातें कही, क्या कहा था उसने, क्या सुना था राजा ने कि जल्दी से आओ यहाँ पर पेड़ के पास कोई है, उसके गहने जेवर ले लो, उसका घोड़ा ले लो, जल्दी आ जाओ, अदरवाइज ही विल स्लिप अवे। तो राजा बिल्कुल चकरा गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। तो राजा ने इधर उधर देखा, झांका, और उसे क्या दिखाई दिया, उसने देखा कि एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी है, एक चिड़िया है जो उसी पेड़ पर बैठी है जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा है। सो ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और इसके साथ साथ में राजा ने कुछ हल्की फुल्की आवाज़ें उस गुफा से आती हुई भी सुनी। सो ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। तो राजा सावधान हो गया, अलर्ट हो गया और जल्दी से अपने घोड़े पर बैठ करके वहाँ से आगे भाग गया, जितनी जल्दी उससे हो सकता है, क्योंकि उसे अलार्म सिग्नल मिल चुका था। आप कहो, समझो कि उसे एक छोटा सा वार्निंग, डर लगा उस चिड़िया की बात से, जिस चिड़िया ने ऐसा कहा, क्या कहा था कि जल्दी से आओ, पकड़ो, बांधो, इसके गहने जेवर ले लो, घोड़ा ले लो, है ना। सो द किंग वाज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉयस अगेन। अब आगे की स्टोरी में क्या है कि राजा वैसे ही एक और आवाज़ सुनता है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और राजा को इन चिड़िया की कहानी के बारे में पता चलता है। ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। तो इसका मतलब है कि आगे की स्टोरी में हम लोग उसी पक्षी के दूसरे भाई, उसके सिबलिंग से भी मिलेंगे जो ऋषि के आश्रम के पास में रहता था। तो दोनों बिछड़ गए थे ना, एक रहता था गुफा के पास पेड़ पर, जिस गुफा में डाकुओं का गैंग रहता था, और दूसरा पक्षी कहाँ पे रहता है, जहाँ पे ऋषि का आश्रम है। तो राजा चलते चलते ऋषि के आश्रम के पास में पहुँचा। ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, एक साफ सुथरी जगह जहाँ पे आश्रम के जैसा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स सेड। तो वहाँ भी एक पेड़ था, राजा ने अपने घोड़े की रस्सी पेड़ के साथ में बांध दिया और पेड़ की छाया में बैठ गया, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। सो नाउ सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉयस अनाउंस, जेंटल वॉयस, माइंड इट। तो तभी राजा ने अचानक एक बड़ी ही मधुर सी आवाज़ सुनी, इसमें एक तरह का अनाउंसमेंट था, उद्घोषणा। क्या थी ये उद्घोषणा, इट वॉज अबाउट वेलकम टू द आश्रम सर,
आश्रम में आपका स्वागत है महाशय, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप कृपया अंदर आएं और आराम करें, द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जल्दी ही लौट आएंगे, देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और आश्रम के अंदर में मतलब घड़े में या पानी का एक बर्तन है जिसमें ठंडा पानी रखा है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल और आप आराम करें, ठीक है, रिलैक्स महसूस करें। तो ये एक अनाउंसमेंट, बड़ी प्यारी सी आवाज़ राजा को सुनाई देती है उस पेड़ के नीचे बैठने पर जहाँ ऋषि का आश्रम था। सो द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो राजा यहाँ पर भी अमेज हुआ होगा, चकित हो गया होगा और उसने इधर उधर झांका तो क्या देखा कि इस पेड़ पर भी एक बड़ी सी चिड़िया, एकदम भूरे रंग की चिड़िया बैठी है। कि दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। तो राजा अपने आप से ही बोलता है कि अरे ये तो वैसे ही चिड़िया है जैसा मैंने गुफा के पास में देखा था, वही गुफा जिसके अंदर में गैंग्स ऑफ रॉबर्स रहते थे। ओके, यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, ही इज माय ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स। तो राजा ने जब ये बात कही अपने आप से तो उसकी आवाज़ मतलब मन ही मन नहीं थी, उसने थोड़ा बोल करके कहा था, तो उस बर्ड ने सुन लिया और वो बर्ड कहता है कि आप सही कह रहे हैं महाशय कि वो जो दूसरा पक्षी है वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंडशिप विथ रॉबर्स, लेकिन उसने डाकुओं के साथ में दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो ऐसे वैसी ही बातें करता है जैसे वो डाकू करते हैं। He does not talk to me anymore. अब वो मुझसे नहीं बात करता। Just then the rishi entered the ashram. और जब तक ये पक्षी ये सारी बातें राजा को बता रहा था तभी वहाँ पर ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। अब देखो क्या होने वाला है, क्या होगा। Welcome sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired, rest for a while, then you can share my food. तो ये सब बातें हो रही थी तो ऋषि आ गए, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, है ना। राजा ने अपने होठों पर उंगली रखी हुई है जैसे कि amazed फीलिंग होती है, सरप्राइज्ड, और ये एक पक्षी बोल रहा है और उधर ऋषि आते हुए दिख रहे हैं। और ऋषि आकर के कहते हैं कि आपका स्वागत है महाशय, आप अंदर आएँ और आप ऐसा महसूस करें एज लाइक यू आर इन होम। You look tired, आप थके हुए लग रहे हो तो आप थोड़ा सा आराम करें, then you can share my food। और ऋषि ने ऑफर किया राजा को कि आप मेरा खाना शेयर कर सकते हो, मतलब मैं जो खाता हूँ उसमें से कुछ दूंगा। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said। तो ऋषि को देखते ही राजा ने ऋषि को ये स्टोरी सुनाई। कौन सी स्टोरी, कि कैसे उसने गुफा के बाहर में एक चिड़िया के मुंह से वो सारी बातें सुनी कि पकड़ लो उसके गहने जेवर, छीन लो घोड़ा को, छीन लो, है ना। और कैसे उसने इस दूसरे पक्षी की बातें सुनी कि आपका स्वागत है, आप इस आश्रम के अंदर आइए, आराम कीजिए, ठंडा पानी पीजिए, ऋषि थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो राजा इस बात से सरप्राइज था कि भाई ये दोनों बर्ड्स तो एक जैसे थे और अभी अभी इस बर्ड ने बताया कि वो जो दूसरा बर्ड था वो तो इसका भाई है। तो राजा बिल्कुल भौचक था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो चिड़िया इतना अलग अलग व्यवहार करें। तो वो कहता है द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, कि ये जो जंगल है ये तो तरह तरह के सरप्राइज से भरा पड़ा है, ऐसा कहा राजा ने। सो द होली मैन स्माइल एंड सेट, तो तब इस ऋषि ने, ऋषि को होली मैन पवित्र आदमी संत आदमी कहा गया, तो ऋषि ने मुस्कुरा करके राजा की तरफ कहा, क्या कहा कि आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। आई वुड लाइक टू अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, क्या है ये कि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि हर व्यक्ति हर आदमी अपनी संगति से जाना जाता है, जिन लोगों के बीच में वो रहता है उस नाम से, उस चीज़ से वो जाना जाता है। अगर आप चोरों के बीच में रहोगे, चोरों के साथ रहोगे, लोग आपके बारे में डाउट करेंगे कि आप भी चोर हो सकते हो। अगर आप साधुओं के साथ रहते हो
तो पीपल विल से कि आप साधु के जैसे हो सकते हो, आपका स्वभाव अच्छा हो सकता है ना। सो वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि जैसे लोगों के साथ आपका रहन सहन होगा वैसा ही आपका स्वभाव हो सकता है। सो दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। ये बात ऋषि ने समझाई कि वो जो पक्षी है वो हमेशा डाकुओं की बातें सुनता है और वो उसकी ही नकल करता है। इमिटेट मीन्स नकल करना, कॉपी करना, और इसीलिए वो लोगों को लूटने की बातें करता है, जैसे कि वो सारे डकैत बातें करते हैं। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। ऋषि ने ये भी बताया कि ये जो पक्षी है ये वही चीज़ें रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है जो ये बार बार सुनता है, जैसे मैंने अभी आपके साथ बातें की। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, कि वो लोगों को आश्रम में आने के लिए स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। और इसके बाद में ऋषि ने राजा से कहा कि ठीक है अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए, मैं आपको और भी इस जगह के बारे में बताऊँगा और इन पक्षियों के बारे में बताऊँगा। तो बच्चों दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या कि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। आप जैसे लोगों के साथ में रहोगे वही आपकी पहचान हो सकती है, लोग आपके बारे में वैसा ही अंदाज़ा लगाएंगे। आपके चाहने नहीं चाहने से भी आप जिन लोगों के साथ में रहोगे धीरे 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 धीरे, है ना, आप उनकी आदतें, आप उनके बोलने का तरीका, आप उनके चलने का तरीका, आप उनकी लाइफ स्टाइल कॉपी कर लोगे धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी। अगर आप डाकुओं के बीच रहोगे तो उनके जैसे हो जाओगे, अगर आप साधु के बीच में रहोगे तो ऐसे हो जाओगे, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ में रखते हो तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो जाओगे जो अच्छा करते हैं एग्जाम में, अगर आप वैसे स्टूडेंट्स के साथ में रहते हो जो दिन भर धींगा मस्ती में रहते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाने में रखते हैं, क्लासेस बंक करते हैं, है ना, इधर उधर पार्टी करते हैं, एब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप वैसे ही बन जाओगे। तो आपका समाज, आपकी कंपनी, आप जिन लोगों के साथ में रहते हो ये काफ़ी हद तक आपका फ्यूचर भी डिसाइड कर सकता है कि आगे चल करके आप क्या पढ़ने वाले हो और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। एक इंग्लिश प्रोवर्ब है उसमें ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है जैसे कि जिन पांच लोगों के साथ में वो अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है, 24 आवर ऑफ द डे, जिन पांच लोगों के साथ में वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है उसका अगर हम एवरेज निकाल सकें तो वैसा हो जाएगा उस व्यक्ति का स्वभाव जो उन 24 घंटों में उन पांच व्यक्तियों के साथ में समय बिताता है। कहने का मतलब है कि हम जिन लोगों के साथ रहेंगे, जैसी हमारी कंपनी होगी उसका असर हमारी मेंटलिटी पर, हमारी सोच पर, हमारे एक्शन पर, हमारे बिहेवियर पर होगा। सो वी शुड बी वॉचफुल अबाउट इट, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रहना होगा कि हम किन लोगों के साथ में रहते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें अच्छे लोगों के साथ में ही रहना चाहिए, जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, समाज में जिनकी इज्जत है, जो अच्छा काम करता है, है ना, गुड एंड बैड। So choose your side, you should be attached with, you should have a company of good students, good boys, good peoples, है ना, good human beings। क्योंकि अगर गलती से भी आप बुरे लोगों के साथ में रहोगे, गंदे लोगों के साथ में रहोगे और उनके साथ जितना ज़्यादा टाइम पास करोगे आप धीरे धीरे वैसे ही हो जाओगे। So one is known by the company one keeps, यही है moral of the story। तो बच्चों मैं एक बार फिर से आप सबसे कहूँगा कि ये मेरा YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने बैचमेट्स को ज़रूर बताओ। आगे चल करके मैं आप सब के लिए, चाहे वो CBSE बोर्ड के बच्चे हों, ICSE के हों या बिहार बोर्ड के या अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। और जब आप मेरा लेक्चर सुनोगे तो आपको बस ऐसे ही फीलिंग होगी जैसे कि आपके ट्यूशन टीचर आपके सामने बैठकर के सिर्फ और सिर्फ
आपको पढ़ा रहे हैं। यू कैन सबमिट योर कमेंट्स योर क्वेरीज ऑल्सो, आई एम रेडी टू हेल्प यू वेन एवर आई विल गेट टाइम, आई विल आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, मैं आपके लिए इस चैनल पर आपके लिए और भी बहुत सारे लेक्चर्स लेकर के आने वाला हूँ। आमतौर पर मैं अपने लेक्चर्स ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को डालता हूँ, तो मार्क योर कैलेंडर। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।